हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश खेलकूद से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनने की पूरी पूरी संभावना है। इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे एमपी करंट अफेयर 2021 की ईबुक है, 2020 की भी ईबुक अवेलेबल है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। गाइस, अगर आप अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो कर लीजिएगा, बेस्ट टेस्ट सीरीज है। 25 प्लस टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर, एमपी जीके, साइंस वगैरह के टेस्ट हमने डाल दिए और काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इन सभी पर चल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एमपी कांस्टेबल का फ्री डेमो भी हमने दे रखा है, उसको भी आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा आपको बताना है, निम्न में से कौन सी है या रिक्त स्थान है, जिस हिसाब से भी आप क्वेश्चन को समझे, बस आपको आंसर पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश राज्य की क्रीड़ा रिक्त स्थान, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा मलखम। ये मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से इसको क्लियर कवर कर पाएंगे। हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम यहीं पर प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2016-17 के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच राजस्थान में आयोजित किया गया था, ये कहां पर आयोजित किया गया था? 2016-17 के रणजी ट्रॉफी जो हुआ था उसके क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था, स्पेशली आप याद रखिएगा, और 83वां सीजन ये इसका था, ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में फटाफट क्लियर करेंगे, क्योंकि रिविजन वीडियो हमारा ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम रिक्त स्थान में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है। देखिए, आप सभी को बताइए, कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। ग्वालियर यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा, और इस पर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हो चुके हैं, तो 12 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच यहाँ पर खेले जा चुके हैं अब तक, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला जो मैच खेला गया था ये 1988 में खेला गया था, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में, और स्पेशली याद रखिएगा। और इसका जो नाम पड़ा है, ये हॉकी के खिलाड़ी थे रूप सिंह, उनके नाम पर इसका नाम रूप सिंह स्टेडियम रखा गया है। जो कप्तान ध्यानचंद थे उनके छोटे भाई थे ये रूप सिंह, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित है? देखिए, शिवेंद्र सिंह जो है ये हॉकी से संबंधित है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, हॉकी से ही संबंधित है, ग्वालियर से संबंधित है, स्पेशली आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? ये जो शहर है मध्य प्रदेश का, इंदौर शहर है, जिसने 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, और हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा, कब की थी? नवंबर 2017 में, स्पेशली आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट तेजिंदर पार सिंह टूर ने एशियाई खेलों में 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था? तो देखिये, इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता था ये जीता था गोला फेंक में, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, गोला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सा भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक था? वो स्पेशली आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी 2021 में भी आपके जो है एशियाई खेल हुए हैं, माफ कीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक वाले, और उससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा टोक्यो से रिलेटेड। हम वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, नहीं देखा है तो हमारे नए चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन वहां पर हमने कवर करवा दिए हैं। देखिए, इसमें जो ध्वजवाहक थे इनका नाम है रानी रामपाल, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किनका संबंध बैडमिंटन से है? देखिए, बैडमिंटन से जो संबंध रहा है ये रहा है आपका प्रतुल जोशी का, सीमा भंडारी और आदित्य जोशी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, इन सभी का संबंध जो है बैडमिंटन से रहा है। निम्नलिखित में से किस खेल से वर्षा वर्मन जुड़ी हुई है? अब इनमें से चार ऑप्शन आपको मिले हैं, निशानेबाजी से जुड़ी हुई है आपकी वर्षा वर्मन, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा वर्षा वर्मन के बारे में, क्योंकि कई सारे चीजें कोड इन्होंने बना दिए हैं तो इसलिए इनसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाता है। और विक्रम पुरस्कार इनको 2015 में दिया गया था, 2015 में, 2013 में इनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, कब कौन सा अवार्ड मिला था इसलिए हमने आपको बता दिए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाइस, राज्य घोड़ मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इस अकादमी की स्थापना की गई थी 2007 में, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना 2007 में की गई थी, और ये अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी भोपाल में स्थित है, इसको इक्वेस्ट्रियन अकेडमी भी बोलते हैं, एमपी स्टेट इक्वेस्ट्रियन अकेडमी, तो याद रखिएगा। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? ध्यान रखिएगा, समीर दाद, कीर्ति पटेल, माइकल नाथ और अमित बनर्जी, सही जवाब रहेगा समीर दास, जो कि आप सभी इनको पहचानते भी हैं, कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं इनके बारे में।
भोपाल से इनका संबंध रहा है, हॉकी के खिलाड़ी ये थे। और अगर बात करें हम कीर्ति पटेल की तो ये इंदौर से संबंधित है, और अमित जो बनर्जी है इनका संबंध रहा है आपका पश्चिम बंगाल से, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई है? तो इससे जो परंपरा प्रारंभ हुई है, क्रिकेट की परंपरा प्रारंभ हुई है, पारसी क्लब की स्थापना इंदौर में की गई थी, आप सभी को पता ही है, और इसी से क्रिकेट की जो है परंपरा प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति शिवेंद्र सिंह, रूप सिंह, असलम शेर खां और अहमद खान, इनमें क्या समानता आपको देखने को मिलती है? तो इनमें जो समानता है, ये सभी हॉकी खिलाड़ी हैं, ये समानता हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनोहर आहिज को पॉकेट हरचुलेस कहा जाता था, और इनमें से ये एक क्या थे? ध्यान रखिएगा, ये जो थे ये थे बॉडी बिल्डर, इनको बॉडी बिल्डर ये थे। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा इंदौर में, इंदौर, इंदौर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। संजय अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा गाइस क्रिकेट, संजय अग्रवाल का संबंध क्रिकेट खेल से है। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर, ध्यान रखिएगा। ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऐशबाग जो स्टेडियम है ये आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है इंदौर में, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम ये है और इंदौर में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर, लेकिन वर्तमान में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ये स्पेशली आप सभी लोगों के लिए ही क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप रिसर्च कीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि ये आंसर आपको पता चलना बेहद ही जरूरी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1875 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल और चेम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई थी? तो इन्होंने जो खोज की थी गई ये की थी स्नूकर की, स्नूकर हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी या मुठभेड़ में हुई थी, और इन खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा पान सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे पान सिंह तोमर, जिनकी मृत्यु हुई थी पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई थी? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा 1913 में सबसे पहले क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई थी पहली बार। मध्य प्रदेश के राज्य के खेल मलखम का वह प्रकार कौन सा है जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा खेला जाता है? तो ये जो प्रकार है इसको बोला जाता है सेल मलखम, सेप मलखम, इसको बोला जाता है सेल मलखम। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्य के खेल मलखम है तो निम्न में से किस जिले में मलखम केंद्र खोला गया है? ये खोला गया है आपका दतिया जिले में, दतिया हमारा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये है आपका ग्वालियर में, ग्वालियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति किस वर्ष अनुमोदित हुई थी? बस खेलकूद जो नीति हुई थी अनुमोदित मध्य प्रदेश में ये हुई थी वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति बनाई गई थी 1989 में, हमारा बी ऑप्शन यहां से सही रहेगा। इसके अलावा ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? वह ऊषा राजे जो स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? ये खेला गया था आपका, कब खेला गया था? 15 अप्रैल को 2006 में खेला गया था पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, ध्यान रखिएगा, जो कि ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला गया था। भारत के पूर्व क्रिकेटर क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में किसके विरुद्ध एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक जड़ा था? वीरेंद्र सहवाग के द्वारा, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने जड़ा था, स्पेशली आप याद रखिएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 8 दिसंबर 2011 को इन्होंने ये कारनामा किया था, जो कि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था और क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जो है ये आपके रिकॉर्ड है, इसको मान सकते हैं, क्योंकि पहला है और सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था दिवसीय दोहरा शतक। तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन है जो हम आगे कवर करने वाले हैं। देखिए, इंदौर के होलकर स्टेडियम में प्रथम T20 मैच इनके मध्य में हुआ था, ये जो हुआ था गाइस प्रथम T20 मैच ये हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से नगर में अभय खेल प्रसाद अवस्थित है? ये है आपका इंदौर शहर में, इंदौर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश का कौन सा स्टेडियम बैडमिंटन के लिए हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया है?
ये जो स्थान है या ये जो स्टेडियम है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब हमारा रहेगा अभय खेल प्रसार, जो कि आपका इंदौर में स्थित है। ईश्वर पांडे का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है क्रिकेट से, ईश्वर पांडे का। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय जो मैच खेला गया था, ये खेला गया था आपका 22 जनवरी को 1988 में। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किस स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बनाया था? तो इन्होंने जो बनाया था ये कप्तान रूप सिंह स्टेडियम यानी कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में बनाया था, जो कि ग्वालियर में आपका स्थित है। हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में पहला दोहरा शतक बनाया था, ध्यान रखिएगा। अहमद शेर खान किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? अहमद शेर खान जो जुड़े हुए हैं ये हॉकी के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच किस वर्ष आयोजित किया गया था? नेहरू स्टेडियम की बात की गई है तो ये किया गया था आयोजित 1983 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच को खराब पिच के कारण स्थगित किया गया था? तो ये जो किया गया था ये आपका किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था ये आपको बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका व्यापम पूछा जाता है, जो कि काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका, कि मध्य प्रदेश के कौन सा, मध्य प्रदेश के नेहरू स्टेडियम में, ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा था तो वो क्यों स्थगित किया गया था, उसका रीजन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो पिच जो है खेलने के लिए अनुपयुक्त थी, ये उसका करेक्ट आंसर है। आप सभी समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन था। और इस हिसाब से देखिए, क्वेश्चन वो यही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपके सामने रख दिया है और आप काफी सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन का क्या कहना चाह रहे हैं आप आसानी से उसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठाकुर रणवंत सिंह जो स्टेडियम है ये आपका रीवा में स्थित है। रीवा हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है? इनमें से आपका ये सभी है, बाकी बारावती जो है स्टेडियम ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। भोपाल के इसबाग स्टेडियम में किस वर्ष एस्ट्रो टर्फ यानी कृत्रिम घास बिछाई गई? ये जो बिछाई गई थी ये 2009 में बिछाई गई थी, ध्यान रखिएगा। इसबाग स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ जो बिछाई गई थी कृत्रिम घास, ये 2009 में बिछाई गई थी। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये आपका अलीराजपुर में स्थित है। अलीराजपुर सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम कहां पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है, जो कि भोपाल इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में बाबा ए अली स्टेडियम, बाबे अली स्टेडियम मुख्यतः किस खेल का आयोजन इसमें किया जाता है? तो ये जो किया जाता है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा क्रिकेट रहेगा। बाबा ए अली स्टेडियम में क्रिकेट का आयोजन मुख्यतः किया जाता है, जो कि आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, अशोक पटेल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो जिला है इसका नाम है जबलपुर। जबलपुर में स्टेडियम है आपका कौन सा, ध्यान रखिएगा, अशोक पटेल स्टेडियम। इसके अलावा एक और स्टेडियम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रानीताल क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रानीताल जो क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका जबलपुर में स्थित है। जबलपुर हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और जबलपुर में आपका वीरांगना जो रानीवती क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम ही रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम है, इसलिए काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती जो क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका जबलपुर में स्थित है और इसी का नाम रानीताल क्रिकेट स्टेडियम भी है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये आपका स्थित है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। इसके अलावा वीरांगना रानी दुर्गावती क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर है। इसके अलावा अशोक पटेल स्टेडियम भी यहीं पर है जबलपुर में, स्पेशली आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में खेल गांव का निर्माण किया जा रहा है? और ये जो जिला है इसका नाम आपको बताना है, और ये जो जिला है ये है आपका भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में खेल गांव का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से खेलों से रिलेटेड पूछे जाते हैं, खेल और खिलाड़ियों से, तो हमने सारे कवर इस वीडियो में कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। अगर आप चाहते हैं तो इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको जाकर आप डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, आज के स्टूडियो में बस इतना गाइस, हम मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।